नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जनवरी शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिले के रायपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एसपी नरपत सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक शकूर खां परिवादी से हिस्से के 1.5 लाख रुपए देने की एवज में 10% की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी शकूर खां को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते काबू कर लिया। जयपुर में शिक्षा विभाग के एलडीसी को शादीशुदा महिला ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। उसने 18 लाख रुपए मांगे, रुपए नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी। महिला करीब 1 साल से युवक को जानती थी। पुलिस ने मामले में महिला और उसके पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 लाख रुपए कैश और 15 लाख का चेक भी बरामद किया है। संजय सर्किल थाना पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक के पिता घनश्याम मीना एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। घनश्याम मीना ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि बूंदी की रहने वाली एक महिला ने उनके बेटे हिमांशु मीना को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 18 लाख रुपए वसूलने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस ने मामले में प्रिया शर्मा, उसके पति विवेक व बिचौलिए शिवराम को गिरफ्तार कर लिया। देश की सर्वोच्च अदालत जनमानस को नए जमाने के मुताबिक मोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभाती रही है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की अपनी कमाई संपत्तियों में बेटियों के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू परिवार की बेटियों को उस स्थिति में अपने भाइयों या किसी अन्य परिजन के मुकाबले पिता की संपत्ति में ज़्यादा हकदार बताया है, जब पिता ने कोई वसीयतनामा नहीं बनाया हो और उनकी मृत्यु हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियाँ पिता की स्व अर्जित व अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुनारी की पीठ ने कहा कि हिंदू पुरुष ने वसीयत नहीं बनाई हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे विरासत में प्राप्त संपत्ति और खुद की अर्जित संपत्ति दोनों में उसके बेटों और बेटियों को बराबर का हक होगा। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में भी गिरावट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरकर 58,850 पर पहुंच गया है। हालांकि सुबह के सत्र में यह 700 अंकों से ज़्यादा टूट गया था। पहले मिनट में निवेशकों के करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। शेयर बाजार में लगातार 4th दिन गिरावट है। इन 4 दिनों में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 9 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। सोमवार को यह 280 लाख करोड़ रुपए था, जो शुक्रवार सुबह 270.77 लाख करोड़ रुपए रह गया। इस दौरान आईटी कंपनियों के शेयर्स की जमकर पिटाई हुई है। शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 425 अंक नीचे 59,039 पर खुला था और खुलते ही यह पहले मिनट में 600 पॉइंट तक गिर गया। अजमेर कोटा मार्ग पर कोहरे के कारण कोहड़ा पारा के बीच क्रूजर वाहन व ट्रेलर में भिड़त हो गई, जिससे क्रूजर में सवार 11 जने घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई। ट्रेलर सवार से मार्बल लेकर आ रहा था। वहीं क्रूजर में सवार यात्री जोधपुर के एक गांव में शोक में शामिल होकर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि जोधपुर के झालामंड गांव में रहने अपने रिश्तेदार की मौत के शोक में शामिल होकर एक ही परिवार व रिश्तेदार के लोग अपने शोक पर मध्य प्रदेश जा रहे थे। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण कोहड़ा पारा के बीच दोनों वाहन भिड़ गए। हादसे में सरवानिया शोपुर मध्य प्रदेश निवासी हरि की मौत हो गई। सरकार ने नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दवाओं के बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे असली और नकली दवा की पहचान महज चंद सेकंडों में ही की जा सकेगी। ग्राहक अब किसी भी दवा पर मौजूद QR कोड को मोबाइल से स्कैन कर इसकी हकीकत के बारे में आसानी से जान सकेंगे। नया नियम अगले साल 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस नए नियम को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। API में QR कोड लगाने के सरकार के फैसले के बाद अब असली और नकली दवाओं की पहचान में आसानी होगी। QR कोड में दवा की पूरी जानकारी होगी, बेंच नंबर, सॉल्ट, कीमत की जानकारी मिलेगी।
भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के भरतपुर रोड स्थित एक क्रेशर प्लांट पर हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बंद कैबिन में अलाव तापते समय दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि क्रेशर प्लांट संचालक और मृतकों के परिवारों को इसकी सूचना दी है। मृतक की पहचान राम नरेश और प्रमोद सैन निवासी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के पहुंचने पर शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के 2,362 पटवारी अब सीनियर हो गए हैं। इन पटवारियों को वरिष्ठ पटवारी की पोस्ट पर प्रमोशन मिला है। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देश पर रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहनलाल यादव की अध्यक्षता में हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक में पटवारियों का सीनियर पटवारी के पद पर प्रमोशन करने के आदेश जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर यादव ने बताया कि ये प्रमोशन साल 2021-22 के तहत दिए गए हैं, जिनमें नॉन शेड्यूल एरिया के 2,269 और शेड्यूल एरिया में 93 पटवारियों को वरिष्ठ पटवारी के पद पर प्रमोशन दिया गया है। प्रदेश में वरिष्ठ पटवारी के कुल 5,000 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें पटवारी पोस्ट का 5 साल का अनुभव पूरा करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा दिया गया है। जयपुर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। होटल से काम खत्म कर बाइक से लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मारी और घसीटता हुआ ले गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कुलबीर सिंह के रूप में हुई है। वह घर लौट रहा था, तभी खातीपुरा मोड़ के आगे वसुंधरा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार आई एक कार ने कुलबीर की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, इंडिया गेट पर महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसे समय में जब देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे आपसे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट की बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति देश के आभार का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस स्थान पर उनका एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस होलोग्राम प्रतिमा का वह 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर लोकार्पण करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।